ट्रंप पर फिर होने वाला था हमला। रैली वाली जगह से पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। पिस्टल कारतूस बरामद। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर से गंभीर चूक का मामला सामने आया है। शनिवार को कैलिफोर्निया के कोचेला में ट्रंप की चुनावी सभा होने वाली थी। रैली वाली जगह के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शख्स पर अवैध रूप से भरी हुई बंदूक और उच्च क्षमता वाली कारतूस की मैगजीन रखने का आरोप है। अमेरिका में साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक रैलियां जारी हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेता के तौर पर चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग के अनुसार शनिवार को कैलिफोर्निया के कोचेला में ट्रंप की चुनावी सभा होने वाली थी। रैली वाली जगह के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शख्स पर अवैध रूप से भरी हुई बंदूक और उच्च क्षमता वाली कारतूस की मैगजीन रखने का आरोप है। ट्रंप पर तीसरे हमले की थी तैयारी। रिवरसाइड काउंटी के शेरिफ चार्ड बियानको ने कहा, हमने संभवतः एक और हत्या के प्रयास को रोक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वैम मिलर ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था। लास वेगास निवासी 49 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति को जब अधिकारियों ने पकड़ा तो उसके पास न केवल बंदूकें थी बल्कि उसके पास फर्जी प्रेस आईडी और वीआईपी पास भी थे। संदिग्ध व्यक्ति काले रंग की एसयूवी चला रहा था, जिसे ट्रंप के रैली के बाहर सुरक्षा जांच चौकी पर रोका गया था। आरोपी को किया गया रिहा। मिलर पर अवैध रूप से भरी हुई बंदूक और गोला बारूद रखने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसके बाद ठीक उसी समय मिलर को $5,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मिलर को दक्षिणपंथी सरकार विरोधी संगठन का सदस्य माना जाता है। शरीफ कार्यालय ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप या कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। घटना के संबंध में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और FBI द्वारा एक संयुक्त संघीय बयान जारी किया गया।